खबर रतलाम से है, जहां कांग्रेस ने सुभाष नगर ओवरब्रिज के बंद पड़े काम को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जहां विद्युत विभाग की पोल शिफ्टिंग, कुछ लोगों का मुआवजा बाकी होने और प्रोजेक्ट की लागत बढ़ने की वजह से सुभाष नगर ओवरब्रिज का काम लंबे समय से बंद पड़ा है, जिसे अब कांग्रेस ने मुद्दा बनाया है। धरना प्रदर्शन करने पहुंचे कांग्रेसी नेताओं ने नारेबाजी कर भाजपा सरकार और प्रशासन पर जमकर निशाना साधते हुए तहसीलदार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा, ब्रिज का रुका हुआ काम जल्दी शुरू करने और स्थानीय लोगों की समस्या का समाधान करने की मांग की है। पूरी मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि 1.5 वर्ष हो गए सुभाष नगर की जो पुलिया बननी चाहिए थी, विधायक जी आते हैं, क्यों चुनाव के 1 साल पहले ही उन्हें सारे काम याद आते हैं? बाकी के 4 साल विधायक जी कहां रहते हैं, कभी किसी ने पूछा है उनसे?